ये बड़े हैरान करने वाले नतीजे आए हैं। जिस तरीके से लोकसभा में 151 असेंबलीज पे हमारी लीड थी, वो सिमट कर अगर इस नंबर पे आ गई है, तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि कैसे इतना डिफरेंस आ गया। जो भी सर्वे चल रहे थे सब कांटे की टक्कर बता रहे थे, जो भी सर्वेज हो रहे थे उसमें महाविकास अगाड़ी को बढ़त दे रहे थे, बात सब बता रहे थे एज है। एक कांटे की टक्कर इस तरीके से हो जाना कहीं ना कहीं थोड़ा आश्चर्यजनक भी है, सवालों के घेरे में भी आता है, और मन में मैं एक सेंस ऑफ सरप्राइज है कि जो हम जनता के बीच में देख रहे थे, महिलाओं के साथ देख रहे थे, पुरुषों के साथ देख रहे थे, आक्रोश जो था 1500 रुपए मिलने के बाद भी वो महिलाएं बता रही थी कि हम पे एहसान नहीं कर रहे जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, और उसके बाद ये इस तरीके के आउटकम आना, आई वुड से हमें कुछ टाइम लगेगा फॉर इट टू सिंक इन। आपकी के पार्टी के नेता संजय राउत का बयान आया कि ये जनता का मैंडेट नहीं है, ये जनता कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। क्लियरली अगर आप जैसे बार बार मन में एक शंका होती है कि जो पहली बार नहीं उठ रहा है बार बार उठता जा रहा है कि क्या ईवीएम पे भी व्यापक चर्चा होनी चाहिए, स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन उसको सीधे सीधे खारिज कर देता है रादर देन विनिंग ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। कितनी महाराष्ट्र में कितनी जगहों पर मैं गई थी जहां पे वहां पे लोग आकर हमसे कहते थे वोट तो हम आपको देंगे ही पर आप ईवीएम पर ध्यान दीजिएगा, सबने हमसे यही आकर कहते थे। तो ये क्योंकि इतना चेंज आया है फ्रॉम लोकसभा टू महाराष्ट्र का ये विधानसभा चुनाव हैरान करने वाला है, और इस पे मैं मानती हूं कि इवन फॉर मी मेंटली इट्स क्वाइट अनएक्सेप्टेबल कि इतना हमने आक्रोश देखकर भी वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, इस तरीके के नतीजे आए हैं। एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या ये सही मायने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। ये बड़े हैरान करने वाले नतीजे आए हैं। जिस तरीके से लोकसभा में 151 असेंबलीज पे हमारी लीड थी, वो सिमट कर अगर इस नंबर पे आ गई है, तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि कैसे इतना डिफरेंस आ गया। जो भी सर्वेज चल रहे थे सब कांटे की टक्कर बता रहे थे, जो भी सर्वेज हो रहे थे उसमें महाविकास अगाड़ी को बढ़त दे रहे थे, बात सब बता रहे थे एज है। एक कांटे की टक्कर इस तरीके से हो जाना कहीं ना कहीं थोड़ा आश्चर्यजनक भी है, सवालों के घेरे में भी आता है, और मन में मैं एक सेंस ऑफ सरप्राइज है कि जो हम जनता के बीच में देख रहे थे, महिलाओं के साथ देख रहे थे, पुरुषों के साथ देख रहे थे, आक्रोश जो था 1500 रुपए मिलने के बाद भी वो महिलाएं बता रही थी कि हम पे एहसान नहीं कर रहे जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, और उसके बाद ये इस तरीके के आउटकम आना, आई वुड से हमें कुछ टाइम लगेगा फॉर इट टू सिंक इन। आपकी के पार्टी के नेता संजय राउत का बयान आया कि ये जनता का मैंडेट नहीं है, ये जनता कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। क्लियरली अगर आप जैसे बार बार मन में एक शंका होती है कि जो पहली बार नहीं उठ रहा है बार बार उठता जा रहा है कि क्या ईवीएम पे भी व्यापक चर्चा होनी चाहिए, स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन उसको सीधे सीधे खारिज कर देता है रादर देन विनिंग ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। कितनी महाराष्ट्र में कितनी जगहों पर मैं गई थी जहां पे वहां पे लोग आकर हमसे कहते थे वोट तो हम आपको देंगे ही पर आप ईवीएम पर ध्यान दीजिएगा, सबने हमसे यही आकर कहते थे। तो ये क्योंकि इतना चेंज आया है फ्रॉम लोकसभा टू महाराष्ट्र का ये विधानसभा चुनाव हैरान करने वाला है, और इस पे मैं मानती हूं कि इवन फॉर मी मेंटली इट्स क्वाइट अनएक्सेप्टेबल कि इतना हमने आक्रोश देखकर भी वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, इस तरीके के नतीजे आए हैं। एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या ये सही मायने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन था।